नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। नवरात्र अभी शुरू होने वाला ही है, लेकिन जनता में नवरात्रि की खुशियां झलकने लगी हैं। क्या है माँ वैष्णो देवी के नव दिवसीय दरबार की कहानी, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता पवन त्रिपाठी के साथ। इस खबर को दिखाने से पहले ये बेहद जरूरी है कि हम आपको ले चलें अतीत के उन पन्नों में, जहां से आगाज होता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित होने वाले नवरात्र के सबसे बड़े कार्यक्रम का। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र में आयोजित होने वाले नव दिवसीय माता की झांकी का। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में स्थित मीना बेकरी चौराहे का क्षेत्र सन 1992 की शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की स्वर्णिम सुबह, कॉलोनी के ही कुछ किशोरों के मन में विचार उठता है कि नवरात्रि में माघ महागौरी के इस पावन दिवस पर क्यों ना कुछ आयोजन किया जाए। बस फिर क्या था, कॉलोनी के किशोर निकल पड़े अखंड विश्वास की ज्योति को मन में जलाकर कि आज तो जगराते में ज्योति जलाकर ही माँ महागौरी का स्वागत करना है। कॉलोनी के कुछ बड़े बुजुर्गों का हाथ उन किशोरों के हाथ से सहयोग के रूप में साथ, किशोरों की मेहनत रंग लाई और जगत जननी जगदम्बिका का जगराता प्रथम नवरात्रि की रात्रि में वहीं कॉलोनी के बीचों बीच स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण के भीतर ही श्रद्धा और आस्था के साथ संपूर्ण हुआ। पर नियति को तो जैसे सब कुछ ही पता था। सन 1992 प्रथम नवरात्रि का वह दिवस शायद भविष्य के रास्ते से होता हुआ इतिहास के पन्नों में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुका था, स्वर्णाक्षरों में अंकित होने का दृढ़ संकल्प ले चुका था। फिर उसके बाद ये सिलसिला कभी नहीं थमा। 1992 में संपन्न हुए उस कार्यक्रम ने शनय शनय एक वृहद रूप धारण करना शुरू कर लिया था। साल दर साल कार्यक्रम ने स्वरूप बड़ा और बड़ा स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। उसी स्थान पर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का शायद सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने लगा था। आज 27 वर्ष बाद भी अनवरत रूप से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदु होती है यहाँ पर निर्मित होने वाली माँ वैष्णो की अद्भुत गुफा, जो कि लगातार 11 दिनों तक कई आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए श्रद्धालुओं को माँ वैष्णो की अद्भुत झांकी के दर्शन करवाती है। प्रतिवर्ष की भांति आज माँ वैष्णो की इसी गुफा के निर्माण कार्य के शुरू होने से ठीक पहले भूमि पूजन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। यहाँ कार्यक्रम के आयोजक मंडल का यह अखंड विश्वास और अटूट विश्वास है कि कार्यक्रम के ठीक पहले किए जाने वाले इस भूमि पूजन से इस कार्यक्रम के सकुशल और सुरक्षित रूप से संपन्न होने में किसी भी तरह का प्राकृतिक या अप्राकृतिक व्यवधान आड़े नहीं आता। प्रथम नवरात्रि के आरंभ होने वाला ये कार्यक्रम दशहरे के दिन रावण दहन कार्यक्रम के बाद समाप्त होता है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी की टीम आपको इस झांकी के साथ जगत जननी जगदम्बिका माँ के सभी 9 स्वरूपों के दर्शन के साथ साथ यहां आयोजित होने वाले हर दिन के कार्यक्रमों से आपको रूबरू करवाती रहेगी। पवन त्रिपाठी, इंडिया 24x7 लाइव टीवी लखनऊ। बने रहिए हमारे साथ लगातार, क्योंकि हर खबर पर है हमारी नजर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।